और जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं उनके वीडियो के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो आप लोग जानते होंगे, सीतापुर में एक ऐसा स्थान है जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, जिसके बिना चारों धामों की यात्राएं पूर्ण नहीं मानी जाती हैं। उसका नाम है नैमिषारण्य धाम। ठीक है, आप लोग गए होंगे, काफ़ी लोग वहाँ रहते भी होंगे। तो उसके बारे में इसलिए जानकारी लेके आए हैं क्योंकि कल संडे को यानी कि रविवार के दिन योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था वहाँ पे सफाई करी। ठीक है, और वहाँ पे कुछ आधारशिलाएँ रखी, कुछ योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया। तो उन योजनाओं की कुल लागत लगभग 550 करोड़ थी। ठीक है, उनमें से 91 करोड़ की 29 परियोजनाओं का उन्होंने जो है शिलान्यास किया, और जो 450 करोड़ की परियोजनाएं हैं उनकी उन्होंने आधारशिला रखी। ठीक है, वो व्यास व्यास गद्दी के पास गए थे कल और उन्होंने वहाँ पे जो है स्वच्छता अभियान जो है चलाया। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा जान लीजिए नैमिषारण्य धाम के बारे में। तो ये नैमिषारण्य धाम का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, ये तीर्थ स्थान लखनऊ से लगभग पड़ता है 60 से 70 किलोमीटर। ठीक है, नैमिषारण्य में महापुराण लिखे गए थे। महापुराण जानते हैं आप? ठीक है, 18 महापुराण है। और पहली बार जो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान की कथा के बहुत मायने हैं क्योंकि ये हर घर में लगभग होती है, तो सबसे पहले वहीं पे हुई थी। ठीक है, अब ये दूसरा है पॉइंट और बताते हैं। जो ऋषि दधीच थे उन्होंने अपनी हड्डियां दान की थी देवराज इंद्र को, राक्षस को मारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नैमिषारण्य। जो धाम का नाम पड़ा नैमिषारण्य, वो नैमिष नामक वन की वजह से पड़ा था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में यहाँ पे जो 88,000 ऋषि मुनि थे उन्होंने तपो अपने तपस्या करके तपोभूमि इसको बनाया। ठीक है, और यहाँ पे जो आप स्थान घूम सकते हैं उसमें है चक्रतीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी मंदिर जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा मुख्य मंदिर है, ठीक है, सबसे विख्यात, पंचप्रयाग, शेषनाग मंदिर, छेमकाय मंदिर, ठीक है, हनुमानगढ़ी जानते ही होंगे, शिवाला भैरव जी का पंचमुखी, ठीक है, पंच पांडव मंदिर और पंचपुराण मंदिर, माँ आनंदमयी मंदिर, ठीक है, अहोबिल मठ, परमहंस गौड़ी मठ इत्यादि यहाँ पे घूमने के स्थान हैं। ठीक है, तो आप कभी जाइए तो यहाँ पे घूम के आइए। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब।